हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एम एस निरंकारी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का सेकंड चैप्टर एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए क्या एडेप्टेशन है उस बारे में देखा था, और उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोगों ने लंग्स के बारे में पढ़ा था कि लंग्स क्या होता है। लंग्स के थ्रू जो मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस है, ये लोग ब्रीद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा गिल्स के बारे में देखेंगे कि गिल्स से ब्रीदिंग कैसे होता है। गिल्स जो होता है एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जैसे कि फिशेज है, टेडपोल्स है, टेडपोल बोलते हैं जो बेबी फ्रॉग होता है उसको बोलते हैं टेडपोल। श्रिम्प, झींगी, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, केकड़ा, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये लोग पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, मतलब कि जो वाटर में मिक्स्ड ऑक्सीजन होता है, उससे ये लोग सांस लेते हैं। तो हमें पता है कि ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन इन, ब्रीद इन ऑक्सीजन करते हैं एंड ब्रीद आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लोग गिल्स के हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर होता है उसको कंज्यूम करते हैं, इसको लेते हैं। गिल्स क्या होता है, एक फीदरी ऑर्गन होता है, जो कि कहाँ होता है, जो भी फिश होता है, फिशेज होते हैं उनके हेड में, मतलब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके हेड के साइड में, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं गिल्स, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किस चीज में, ब्रीदिंग में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गिल्स आर फीदरी ऑर्गन्स इनक्लोज इन द पाउचेस प्रेजेंट ऑन ईस्ट साइड ऑफ द हेड ऑफ द एनिमल। दोनों साइड प्रेजेंट, इस मतलब हर साइड, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है हेड के, एनिमल के हेड के। व्हेन ऑक्सीजन रिच वाटर, ऑक्सीजन रिच वाटर जो पानी होता है ना, जो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, वो पास होता है गिल्स के थ्रू और फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक तो गिल्स ऑर्गन हो गया, गिल्स के थ्रू क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। लंग्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे स्पाइरिकल्स दिया हुआ है। स्पाइरिकल्स क्या होता है, ये इंसेक्ट्स के अंदर होता है। तो इंसेक्ट के बॉडी में, जो बॉडी में कुछ होल्स होते हैं, ठीक है, एयर होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एयर अंदर जाता है, उस एयर होल को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। इसमें क्या होता है कि ये जो स्पाइरिकल्स हैं वो होल टाइप्स, एयर होल स्ट्रक्चर होता है, ये इससे एयर अंदर जाता है और फिर ट्रैकिया या फिर एयर ट्यूब बोलते हैं, जो कि ट्रैकिया हमारा हम लोग में भी होता है, लंग्स में भी होता है, लेकिन इसमें भी है, इंसेक्ट्स में भी है ट्रैकिया, और जिसको एयर ट्यूब भी बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, सांस, जब स्पाइरिकल से सांस, एयर होल से सांस, मतलब एयर अंदर जाता है, उसके बाद से ट्रैकिया होते हुए बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे पहुँच जाता है एयर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर टीनी एयर होल्स कॉल स्पाइरिकल्स ऑन देयर बॉडीज, ठीक है। बॉडी पे जो स्पाइरिकल्स या फिर टीनी एयर होल्स होते हैं उसी को स्पाइरिकल्स बोलते हैं। उससे क्या होता है कि एयर अंदर जाता है। दिस स्पाइरिकल्स लीड इन टू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेड ट्यूब्स कॉल ट्रैकिया। इसके बाद से स्पाइरिकल्स क्या होता है, नीचे जाके ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, एयर ट्यूब्स या फिर ट्रैकिया भी बोलते हैं। फिर एयर इंटर्स दिस स्पाइरिकल्स एंड देन पासेस थ्रू द ट्रैकिया। स्पाइरिकल से एयर अंदर जाता है, फिर कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जाता है या फिर एयर ट्यूब में जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज एब्जॉर्ब, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं पे जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है सेम साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू, स्पाइरिकल्स के थ्रू। तो मतलब स्पाइरिकल्स होता है मतलब एयर होल्स, उससे एयर अंदर जाता है, फिर वहाँ से स्पाइरिकल्स के बाद क्या स्टार्ट होता है, ट्रैकिया या फिर एयर ट्यूब भी बोलते हैं उसको, और फिर टिश्यूज के पास पहुँचते हैं, जो भी बॉडी है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे पहुँचते हैं, और वहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है, अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पाइरिकल्स के थ्रू, और ये किस में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो स्किन, स्किन के थ्रू क्या होता है, अब देखेंगे कि स्किन जो होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि फ्रॉग है। फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ, अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है, या फिर अर्थवर्म की जो होता है उसका एग्जांपल दिया हुआ। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सरफेस पे, उनका बॉडी सरफेस जो होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी एयर आता है उससे ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो लाइक के अमीबा ब्रीथ थ्रू द बॉडी सर्फेस, एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन मतलब जो भी गीला सा स्किन, मॉइस्ट मतलब होता है गीला, ठीक है, गीला गीला जो स्किन होता है उससे उससे क्या होता है, ब्रीथ करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है तो अर्थवर्म एक स्पेशल तरीके से करता है ब्रीदिंग। क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजन मिट्टी के, जो भी अर्थवर्म, जो कीड़े, जो ये
अर्थवर्म जो है ये मिट्टी वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये लोग मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन फिल मतलब उसके हिस्सों में अगर जो एयर घुसा हुआ रहता है, ट्रैप्ड एयर जो होता है मिट्टी के अंदर, उससे क्या करते हैं अपने बॉडी से उसको अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ इंसेक्ट्स हो गए जो स्किन के थ्रू करते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो स्पाइरिकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं जैसे इंसेक्ट, और कुछ है जो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, ठीक है। तो कॉलम ए में कुछ इंसेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं और बी में किस चीज़ से वो ब्रीथ करते हैं, उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, तो स्पाइरिकल्स के थ्रू मूव ब्रीथ करते हैं, है ना। तो ये क्या इंसेक्ट का, वैसे फिश है, बर्ड है, फ्रॉग है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। फिश है, फिश किसके थ्रू ब्रीथ करता है, फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बर्ड्स हैं, बर्ड किसके थ्रू करते हैं, लंग्स, ठीक है। फ्रॉग है, मॉइस्ट स्किन। तो ये हो गया, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे, ठीक है। बुक ले लें आप लोग जितना जल्दी पॉसिबल है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका ब्रीदिंग के लिए अडेप्टेशन, कि ब्रीदिंग के लिए क्या अडेप्टेशन है, ठीक है। बॉडी में क्या क्या ऑर्गन होते हैं, किस ऑर्गन के थ्रू किस तरीके से ब्रीदिंग होता है, वो था अडेप्टेशन। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि बॉडी कवरिंग के लिए क्या अडेप्टेशन है, कि मतलब उनके बॉडी का जो स्किन है या फिर ऊपर का जो कवरिंग है वो उसमें वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है, और किस तरीके से उनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी कवरिंग्स होते हैं। एंड एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प्स इट टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, मतलब जो भी एनिमल का बॉडी कवरिंग होता है वो उनको हेल्प करता है क्या करने में, किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में जिस भी सराउंडिंग वो रहते हैं उस हैबिटेट में रहने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे स्केल्स के बारे में दिया हुआ है, तो स्केल्स क्या होता है, स्केल्स होता है ज़्यादातर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें, जैसे कि स्नेक है, ठीक है। तो स्नेक है, क्रोकोडाइल है, लिजार्ड्स है, ये सब क्या है, इन सब के ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल क्या होता है, ऊपर उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है कि जो भी बॉडी, जैसे कि फिश है, तो फिश में आप लोग देखे होंगे कि उनकी बॉडी पे बहुत सारे छिलके जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्केल। वो क्या करता है, उनके ऊपर इतना कवरिंग बना के रखता है कि वो फिशेज को वाटर के अंदर वाटरप्रूफ बना देता है, ताकि पानी जो है वो अंदर ना जा पाए, ठीक है। उनको पानी या फिर वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट करता है, कि जो भी स्केल्स, जिस भी एनिमल के ऊपर स्केल्स होता है, छिलके टाइप स्ट्रक्चर जो होता है, वो क्या करता है बॉडी में वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, मतलब कि ज़्यादा पानी लॉस ना हो जाए, ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर ना निकल जाए, उस चीज़ को रोकता है। और फिशेस में क्या होता है कि इतना ओवरलैपिंग स्केल्स होता है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें लेयर्स होते हैं स्केल्स के, कि वो उसको वाटरप्रूफ बना देता है। मछलियों को क्या बना देता है, वाटरप्रूफ बना देता है। आप देखो घर पर जब मछलियाँ वगैरह आती है तो उनके ऊपर से उनका स्किन जो है वो बाहर निकल जाता है, निकलता है ना, तो वो जो स्किन बाहर निकलता है ना, उनको जब उनको स्क्रब करते हैं, उनको रगड़ते हैं कहीं पे, तो उसी को स्किल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किल्स बोलते हैं। अब देखो ये तो हो गया स्किल्स, जो कि क्या करता है, क्या करने में हेल्प करता है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है शेल। शेल किसको बोलते हैं, शेल बोलते हैं कि जैसे एक जैसे टॉर्टोइज है, कछुआ है, स्नेल है, ये सब क्या होता है कि ये जो आप देखोगे कि जब भी कोई उनके ऊपर अटैक करता है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, उनके ऊपर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होता है, एक कवर होता है, बहुत हार्ड कवर होता है, जो कि जब भी उनको लगता है कि कुछ डेंजर है, कुछ आगे कुछ खतरा है, तो क्या करते हैं, अपने बॉडी को उस शेल के अंदर घुसा लेते हैं, मतलब अपने हाथ और पैर को क्या करते हैं, उस शेल के अंदर डाल देते हैं। और ऊपर से अगर आप उसको बीट भी करते हो ना, तो उसको कुछ नहीं होता है, मतलब उसको मारते भी हो, इतना हार्ड होता है उसका ऊपर का कवरिंग, वही होता है शेल, मतलब ऊपर जो उनका बॉडी कवरिंग जो होता है वो बहुत हार्ड मटेरियल से बनता है, जिसको शेल बोलते हैं। वो क्या करता है, उनके जो सॉफ्ट बॉडीज होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। देखो द बॉडीज ऑफ स्नेल एंड टॉर्टोइज आर कवर्ड विद ए हार्ड शेल, एक शेल होता है जिससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड कवर्ड होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनके सॉफ्ट बॉडीज को। इट इज़ ए कॉमन साइट टू सी ए स्नेल विदड्रॉइंग इट्स फीट एंड हेड इन टू शेल वेन इन डेंजर। अब मतलब ये बहुत कॉमन है ये देखना कि जो भी सेल होता है, जो भी स्नेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी उनको लगता है कोई डेंजर है, तो अपने हाथ पैर को क्या करते हैं, अंदर अपने बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, उस शेल के अंदर चले जाते हैं, इस तरीके से वो बचाते हैं अपने बॉडी को। अब हम लोगों ने स्केल्स के बारे में देख लिया था,
शल देख लिया था, अब है फीदर्स। फीदर्स क्या होते हैं? मतलब फर, जो भी उनके मतलब रोए जो होते हैं, जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे फीदर्स होते हैं, ठीक है। वो फीदर्स क्या करते हैं? उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। वो जो उनके फर होते हैं, आप देखोगे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट उनका जो बॉडी होता है, बॉडी पूरा कवर्ड होता है फीदर्स से। जब किसी चिड़िया को अगर आप टच करते हो, किसी बर्ड को अगर आप टच करते हो, तो आप देखोगे उनका जो बॉडी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फीदर्स होते हैं, ठीक है, जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, प्लस उनको गर्मी भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको वार्म भी रखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बॉडीज ऑफ द बर्ड्स आर कवर्ड विद फीदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फीदर्स ऑल्सो हेल्प टू कीप देम वार्म, उनको वार्म रखने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किसको? बर्ड्स को। अब है हेयर एंड फर। हेयर एंड फर मतलब बाल, और जो भी फर बोलते हैं, जो मोटे मोटे बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, गोट एंड शिप आर कवर्ड विथ हेयर और फर। ये क्या होते हैं कि जैसे कि कुछ मैमल्स हैं जिनके बॉडीज क्या है, जैसे कवर्ड होता है बालों से, हेयर से, ये क्या करते हैं? उनको वार्म करने में हेल्प करते हैं, उनको गर्मी प्रोवाइड करते हैं, उनको गर्मी देने में हेल्प करते हैं। ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनमें इतने ज़्यादा फर्स होते हैं, इतने मोटे फर होते हैं, जैसे पोलर बियर है, ये लोग कहाँ, ये बहुत ही ठंडे जगह पर रहते हैं, वो जितना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड एरिया जो होता है वहाँ पर रहते हैं, तो उनको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए कौन सा हेल्प करता है? उनका जो स्किन है वो हेल्प करता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना मोटे मोटे फर होते हैं जो कि उनको हेल्प करता है ठंड। अब वो लोग ब्लैंकेट तो कवर करेंगे नहीं, उनको तो ब्लैंकेट दिया नहीं जाएगा, ठंडी है तो उनको स्वेटर पहना देते हैं, ब्लैंकेट दे देते हैं, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है उनके साथ। तो क्या होता है? उनका स्किन ही इतना मोटा होता है, मतलब उनके स्किन में जो फर होते हैं वो इतने मोटे होते हैं कि वो उनको ठंडी से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइंस होते हैं, मतलब कांटे होते हैं, ठीक है। तो स्पाइंस क्या होते हैं? वो हार्ड और थॉर्नी होते हैं, मतलब कि बहुत ही हार्ड होते हैं और कांटेदार होते हैं, और नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप उसको टच करते होंगे तो छेद हो जाता है, छेद हो सकता है, ठीक है। तो जैसे पॉर्क्यूपिन्स होते हैं, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है पॉर्क्यूपिन के बारे में दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये क्या है? इसके स्पाइंस है। ये क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करने में हेल्प करता है? प्रोटेक्ट करने। कोई भी एनिमी या कोई दुश्मन इनके पास आता है इनको अटैक करने के लिए, तो इनके जो स्पाइंस होते हैं ना वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज़ को, अपने सेल्फ डिफेंस में हेल्प करता है। स्पाइंस आर हार्ड, थॉर्नी और नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एनिमल्स सच एज पॉर्क्यूपिन्स एंड सी ऑर्चिन्स ग्रो स्पाइंस फॉर सेल्फ डिफेंस। किस चीज़ के लिए ग्रो करते हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद के बचाव के लिए उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फिर से। कैन यू राइट नेम टू एनिमल्स हैविंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग, ठीक है। आपको कोई दो एनिमल्स का नाम बताना है जिसमें इस तरीके का बॉडी कवरिंग हो। जैसे फीडर्स है, तो फीडर्स कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं वो दो नाम लिखना है। शेल है, शेल कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं वो दो नाम लिखना है। फर कौन कौन से दो एनिमल्स में होते हैं वो दो नाम लिखना है। स्केल्स किस में होते हैं वो दो नाम लिखना है। आपको बस एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। उसके पास एक है कैमोफ्ले। कैमोफ्ले क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब ये भी बॉडी कवरिंग में भी ही आता है। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं ना, कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपने बॉडी के कलर को या फिर उसके शेप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से क्या करते हैं ना, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अपने सराउंडिंग के हिसाब से क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कैमेलियन। कैमेलियन किसको बोलते हैं? गिरगिट को बोलते हैं कैमेलियन। कैमेलियन क्या होता है? ये क्या करती है? अपना रंग चेंज करते रहती है, कभी ग्रीन हो जाती है, कभी रेड हो जाती है। तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, जैसे उसको बचना हो उस हिसाब से क्या करते हैं? अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के शेप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि पोलर बियर्स होते हैं। पोलर बियर्स का बॉडी का कलर क्या होता है? वैसा ही कलर होता है जैसे स्नो का कलर होता है। तो जब भी कुछ उनका डेंजर ऐसा लगता है ना कि कुछ डेंजर है, उनको कुछ चीज़ का खतरा है, तो क्या करते हैं? अपने बॉडी को ना स्नो से क्या करते हैं? मैच करवा देते हैं, कि पता ही नहीं चलता है कि ये बियर है या फिर स्नो है। वाइट सेम कलर होता है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं कैमोफ्ले, मतलब कि अपने बॉडी के शेप को या फिर कलर को चेंज करके सराउंडिंग में मिक्स कर देना, ताकि कोई इसको ढूंढ ना पाए, स्पॉट ना कर पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग। कैमेलियन क्या है? अपना कलर को चेंज कर देता है, कर सकता है,
किस चीज़ के लिए? अपने सराउंडिंग से मैच करने के लिए। इट मेक्स द एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। ये क्या होता है कि दूसरे एनिमल जो हैं उनको स्पॉट नहीं कर पाते, मतलब उनको ढूंढ नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते हैं, और उनको क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, प्रोटेक्ट करने में उनके एनिमीज से। ठीक है, तो ये है कैमोफ्लेज के बारे में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने एनिमीज से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को, अपने शेप को या फिर कलर को क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। बोथ प्रेडेटर्स एंड प्रेज हैव कैमोफ्लेजिंग एबिलिटीज, मतलब जो मारते हैं या फिर जिसको मारा जाता है, वो सब, वो भी क्या है, दोनों में ही ऐसा होता है। ठीक है, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एडेप्टेशन ब्रीदिंग के लिए जो हमारा बाकी था, गिल्स, स्पाइरिकल्स, स्किन, ये देख लिया था। फिर बॉडी कवरिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ईटिंग हैबिट के लिए एडेप्टेशन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।